दोस्तों अगर आपको 30,000 में कोई कैमरा सेंट्रिक फोन लेना जिसमें OIS EIS मिल जाए, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाए और सोनी जैसी ब्रांड के फ्लैगशिप कैमरा सेंसर मिल जाए तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज के वीडियो में हम 30,000 के प्राइस ब्रैकेट में आने वाले टॉप 5 बेस्ट कैमरा फोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें आपको तगड़ी कैमरा क्वालिटी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इन फोन्स को हमने पावरफुल प्रोसेसर के साथ भी रखा है, जिससे आप मल्टीपल एप्स का भी यूज करते हैं, तो ये फोन बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे ज्यादा फोन सुनने के कारण आप कंफ्यूज ना हो और सेकंड टाइम में हमारी वीडियो इजीली देख पाए। सो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन। दोस्तों Redmi का ये फोन कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, जो कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी लेके आता है, साथ ही इसमें प्रोसेसर भी काफी अच्छा मिलता है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में मिल जाता है MediaTek Dimensity 7200 अल्ट्रा प्रोसेसर, जो काफी पावरफुल चिपसेट है, और ये फोन अराउंड 7,15,000 का एंटोडिस को लेके आता है। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है। और इसके रियर कैमरे में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है और फ्रंट कैमरे इसमें 16 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.67 इंचेस की 1.5K रेजोल्यूशन के साथ एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि काफी वाइब्रेंट कलर लेके आती है। इसके अलावा इसके डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, SDR 10 प्लस का सपोर्ट, 1800 निट्स ब्राइटनेस और गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। तो बिल्ड क्वालिटी भी इस फोन की बहुत अच्छी है। बैटरी की बात करें तो ये फोन 5000 एमएएच की बैटरी लेके आता है और चार्जिंग इसमें 120 वाट की मिल जाती है, और ये फोन IP68 की रेटिंग के साथ भी आता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8GB रैम 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं तो ये फोन आपको 32,000 में मिल जाता है। सो अगला फोन है नंबर 4 पर Realme 12 Pro Plus स्मार्टफोन। दोस्तों इस बार Realme की सीरीज में कैमरे में बहुत अच्छा काम किया गया है, तो अगर आपको Realme का कोई कैमरा सेंट्रिक फोन लेना हो तो आप डेफिनेटली इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में मिल जाता है Qualcomm का लेटेस्ट प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2, जो काफी तगड़ी परफॉर्मेंस लेके आता है और गेमिंग भी इसमें आप अच्छी खासी कर पाएंगे। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस मिल जाता है। और इसके मेन कैमरे में सोनी का फ्लैगशिप कैमरा सेंसर सोनी IMX890 मिलता है, और फ्रंट कैमरा ये फोन 32 मेगापिक्सल का लेके आता है और ये भी सोनी का सेंसर है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें प्रो XDR 6.7 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको कंटेंट देखने में कलर्स काफी शार्प और क्लियर मिलने वाले हैं, और इसकी डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ भी आती है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 एमएएच की बैटरी मिलती है और चार्जिंग 67 वाट के लेके आता है, साथ ही इस फोन में लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 14 भी मिल जाता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं तो ये फोन आपको 30,000 में मिल जाता है। सो नंबर 3 पर है Vivo V30 स्मार्टफोन। दोस्तों Vivo का ये फोन एक न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन है, जो काफी तगड़ी कैमरा क्वालिटी लेके आता है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में मिलता है MediaTek Dimensity 8200 प्रोसेसर, जो मिड रेंज कैटेगरी में MediaTek का फ्लैगशिप चिपसेट है। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल और दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, लेकिन इसके मेन कैमरे में सोनी का IMX920 सेंसर मिलता है और अल्ट्रा वाइड में सोनी IMX816। और सबसे खास बात, ये कैमरा सेंसर जायस की कोलैब के साथ मिलते हैं, तो कैमरे की क्वालिटी इनमें आपको टॉप नॉच मिल जाएगी, और फ्रंट कैमरा ये फोन 50 मेगापिक्सल का लेके आता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का और SDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिल जाता है, और ये डिस्प्ले 2800 निट्स की ब्राइटनेस भी लेके आती है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 एमएएच की बैटरी मिलती है और चार्जिंग 80 वॉट की। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं तो ये फोन आपको Amazon और ऑफलाइन स्टोर पर 31,000 में मिल जाता है। सो सेकंड लास्ट फोन है Motorola की तरफ से Moto H50 Pro स्मार्टफोन। दोस्तों Motorola का ये फोन क्लीन UI तो लेके आता ही है, साथ ही इसमें प्रोसेसर और कैमरे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिल जाती है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर, जो कि काफी तगड़ा चिपसेट है। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे सेटअप दिया गया है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। और इसके मेन कैमरे में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है और फ्रंट कैमरा इसमें 50 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 1.5K रेजोल्यूशन के साथ 6.7 इंचेस की OLED डिस्प्ले मिल जाती है, तो मूवीज और नेटफ्लिक्स कंटेंट देखने के लिए भी डिस्प्ले बहुत अच्छी है। इसके अलावा इसके डिस्प्ले में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और SDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो ये 4500 एमएएच की बैटरी के साथ आता है और चार्जिंग इसमें 120 वॉट की मिल जाती है। साथ ही फोन Motorola की नई UI हेलो UI के साथ आता है, जो एंड्रॉइड वर्जन 14 के साथ ही मिलता है, और ये फोन IP68 की रेटिंग भी लेके आता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8GB रैम 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं तो ये फोन आपको 32,000 में मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 के स्मार्टफोन के बारे में, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नंबर 1 पर है हमारी लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन Samsung Galaxy A35। तो दोस्तों अगर आपको 30,000 के बजट में कोई ऑलराउंडर फोन लेना हो तो आप Moto H50 Pro या Vivo V30 इन दोनों
में से किसी भी फोन को ले सकते हैं जिनमें आपको कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। लेकिन फिर भी बेस्ट कैमरा क्वालिटी के लिए मैं आपको गैलेक्सी A35 को रिकमेंड करूंगा। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में मिल जाता है सैमसंग एक्सनोस 1380 चिपसेट, जो कि एक डिसेंट चिपसेट है जिसमें आप कैजुअली गेमिंग और डे टू डे के काम आराम से कर पाएंगे। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे सेटअप मिलता है जिसमें प्राइमरी कैमरा 15 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है। और इसके मेन कैमरे में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है और फ्रंट कैमरा इसमें 13 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.6 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जिसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का, एसडीआर 10 प्लस का सपोर्ट और गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिल जाती है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 एमएएच की बैटरी मिलती है और चार्जिंग 25 वाट की सपोर्ट करता है। इसके अलावा इस फोन में IP68 की रेटिंग और एंड्रॉइड वर्जन 14 पे मिल जाता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8GB RAM 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं तो ये फोन आपको 31,000 में मिल जाता है।